जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जाने वाले थाना समाधान दिवस का आयोजन जिले के सभी थानों पर किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन और एसएसपी शलभ माथुर ने गुलहरिया और चिलवाताल थाने पर आयोजित थाना दिवस में शिरकत की और फरियादियों से रूबरू हुए। डीएम और एसएसपी ने थाने पर आए फरियादियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं एडीएम सिटी रजनीश चंद्र ने कोतवाली थाने में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। इसलिए मैं आपका मतलब राय लेना चाह रहा था उससे। वो रोड पे आता है, आप लोग आपस बात करो, संतोष चले तो पूछे ना। आपका क्या तकलीफ है? सर कोई तकलीफ नहीं है, सेक्टर अपनी जगह पर आना चाहिए। ये हमारे जो है बहुत पहले से हमारा विरोध करते हैं और ये प्रधान हो गए। ये जो है श्रीमान जी द्वारा आदेश दिया वहाँ से, ये आदेश नहीं माने हम नहीं घर करते। हमारे 30 कड़ी में जो है चकलोट हमारे जिले के अंदर करते, उसके बाद जब थकाने लगे सर तो कोई रास्ता नहीं हुआ। जब दफा 28 का फाइनल हो गया तो धारा 24 की, और धारा 24 करने के बाद न्यायालय का हल्ला करके उसे पत्थर कर रहे हैं। इसमें कहाँ आ रही है? ये जो है सर, ये दो नंबर हमारा वो सीमांकन जब हो जाने के बाद अब कह रहे हैं पत्थर नहीं जाने। एक टीम से ढंग से नपाई करो ना यार उसको। निर्णय हुआ, निर्णय के बाद में महोदय यार इनका नंबर कौन सी है? 137 और 138। हाँ, और हमारा 127 और 28। ठीक है, चक्रोड़ कौन सी नंबर पे है? 127 और 28 के बीच में है। अच्छा है तुम्हारा, अभी कहीं मुकदमा चल रहा तुम्हारा? 44 समस्याएं हैं। थाना समाधान दिवस बेसिकली जो जमीन संबंधी विवाद होते हैं और उसके अंदर जहां पे राजस्व और पुलिस की जॉइंट इंटरवेंशन की जहां पे टीम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे प्रकरणों को कोशिश करके हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको हम लोग थाना समाधान दिवस के ऊपर रेफर करते हैं। और प्रयास ये होता है कि जितनी भी शिकायतें आने का सेम डे या 2 से 3 दिन के अंदर दोनों ज्वाइंट टीम जाके उसके अंदर उसका समाधान जहाँ तक हो सकता है यथासंभव यथाशीघ्र कर ले। ये सभी थानों के ऊपर ये
प्रक्रिया रहती है और इसके अंदर सभी वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग थानों पर जाते हैं। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आपके थानों पर जो है भ्रमण किया गया था, वहाँ की शिकायतें सुनी गई, आवश्यक निर्देश जारी किए। किस तरह शिकायतें आई जाए? बेसिकली कई जैसा मैंने बताया ज़मीन संबंधी शिकायत रहती है, जहाँ पे ज्वाइंट टीम सुरक्षा के लिहाज से, पुलिस बल के लिहाज से और कई बार पैमाइश होती है तो वहाँ पे उसको जब ज्वाइंट टीम की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की शिकायतें आई थी। मौके पर निस्तारण किए भी गए हैं और कोशिश की जाएगी कि आज और जो बाकी समय 2 बजे के समय के बाद जो टीम्स हैं वो निकलें और शिकायतों का आज ही निस्तारण करें।